एम्बुलेंस का नंबर 102 होता है यार। अरे यार लड़के हो रहे हो, पहले अंकल को हॉस्पिटल तो ले जाओ यार। एम्बुलेंस कॉल ही नहीं उठा रही, देख रहे हो ट्रू ट्रू जा रही है, कॉल ही नहीं उठा रही है। अरे अरे क्या हो गया, क्यों तोड़ फोड़ मचा रहे हो गाड़ी यार। एम्बुलेंस देखो फोन ही नहीं उठा रही, चल आ जाओ। क्या हो गया, मतलब सीरियसली यार आज तक जिस चीज़ पर खरोच नहीं आंधी मैंने, बहन एक क्या गाली निकल रही है मुझे, एक चूती है ऑटो वाले ने, मतलब ऑटो था यार, मतलब बस वाले की भी गलती है, ऑटो वाले की भी गलती है। माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई ब्लॉग, कैसे आप सब उनसे सारे भाई बड़े होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो अभी मैं चला रहा था भूसा, अब मैं आ गया अपनी पे भाई, कम से कम मैं 7-8 किलोमीटर पहले से भूसा चला रहा था। पाजी आगे, मतलब पाजी एनएस पे थे फिर भी कट कुट मार के निकल गए, मैं आराम से पीछे खड़ा, मतलब धीरे धीरे आ रहा बत्तियों पर रुकता हुआ। मज़ा आ गया पाजी आपके भूसा चला के आज। पैंथर चला के मज़ा आ गया। तो पैंथर की सवारी करके मजा। अभी हम जा कर रहे हैं ये बताओ। हम जा रहे हैं अलीपुर बॉर्डर तक जा रहे हैं, वहाँ से यूटर्न मारेंगे वापसी। अलीपुर बॉर्डर जाएंगे, वहाँ से यूटर्न मारेंगे फिर वापसी। तो भाई अपना लाइनअप आ गया, लाइनअप में है ZX10R, यहाँ पे मेरी पल्सर NS200, यहाँ पे भूसा, यहाँ पे हमारे नवाब भाई की Z900, यहाँ पे हमारे भाई की KTM 390। ये भी नवाब भाई की है, ये तो आपकी है। तो मैं भी तो नवाब का भाई हूँ। अच्छा, और ये घड़ी हमारी H2 प्लान बन रहा है, हमारी राइड का प्लान कहाँ का बन रहा है भाई। भाई अभी देखो डिसाइड कर रहे हैं भाई, बेबी मूर्छल अभी पूछते हैं अंकल, राइड का प्लान कहाँ का बन रहा है। सिग्नेचर ब्रिज तक का बस छोटा सा। तो भाइयों अभी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस इतना पता है कि कहीं ना कहीं की तो राइड लेके जा रहे हैं। अब मूर्छल निकले, अलीपुर निकले, सिग्नेचर ब्रिज निकले, कहीं का कुछ नहीं पता, बस चलते हैं आपको राइड दिखाते हैं। आज ये लास्ट राइड होने वाली है, उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा तो सभी को पता है। ये क्या हो रहा है पाजी, ये नहीं है ऐसे क्या, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं हो रही। रील बना रहे हो, रील बना लो। तो भाई अपन चलते हैं अब आगे। तो भाई पता नहीं क्या बहर मच गई है, सारे बंदे रुके हैं पीछे और हम आगे से आगे, हम यहाँ पे मार देते हैं स्टॉप पे। ओए होए होए, ऑटो स्टेशन चल रहा है भाई साहब, ऐसे गाड़ी लगा के चौड़े में हाईवे पे। आज ही धूप चली गई, अगर बिना धूप के भी कोई चश्मा लगा सकता है तो वह दिलप्रीत पाजी हमारे। तो भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पता नहीं लग रहा, किसी को पता हो ये क्या हो रहा है तो बताना भाई कमेंट करके। ओए भाई आवाज़ तो बड़ी प्यारी है इसकी। बाइक हटाओ यार, एम्बुलेंस का नंबर 102 होता है यार। एम्बुलेंस कर रहा हूँ फोन। हेलो, अरे यार लड़के हो रहे हो, पहले अंकल को हॉस्पिटल तो ले जाओ, लड़ रहे हैं बंदे। अंकल जी साइड में लगा लो, साइड में। यार एम्बुलेंस कॉल ही नहीं उठा रही, देख रहे हो ट्रू ट्रू जा रही है, कॉल ही नहीं उठा रही एम्बुलेंस। यार अंकल जी के लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। अरे अरे क्या हो गया, क्यों तोड़ फोड़ मचा रहे हो गाड़ियों की।
देखो फोन ही नहीं उठा रही। चल आ जाओ भाई, एम्बुलेंस फोन नहीं उठा रही, अंकल की हालत की कंडीशन खराब हो रही है, क्या करूँ मैं तो समझ नहीं आ रहा। भैया जाम मत लगाओ यार, आगे निकालो। भाई एम्बुलेंस ने अभी तक फोन नहीं उठा, 1.5 मिनट हो गए टूट रू होते हुए, एम्बुलेंस फोन ही नहीं उठा रही है। 100 पे कर देता हूँ। ये जगह कौन सी है, फ्लाईओवर कौन सा है? ये है रोहिणी फ्लाईओवर। भाई 100 नंबर फोन कर देते हैं, ठीक है, रिंग रोड फ्लाईओवर। जरा यार एक बार अंकल भी हेल्प कर देते हैं, एम्बुलेंस तो फोन उठा नहीं रही, पुलिस को ही कर लेते हैं। यार अंकल को सर्वर पे भी लगी हुई है भाई, सब पूरा रंगीन कर दिया उन्होंने। ये लो। Few minutes later. 100 नंबर वगैरह कोई फोन नहीं उठा रहा, वो तो एक गाड़ी वाले अंकल हैं अच्छे जो उन्हें ले जा रहे हैं अपने साथ, ये अच्छी बात है, गाड़ी वाले अंकल उनकी हेल्प कर रहे हैं। क्या हो गया? पानी दूँ। ठंडा है। यार ठंडा पानी मारो, उसमें है गर्म हो गया है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ठंडा है। दे दो। ऐसे रगड़ो मत, मसलो मत, कोई मच्छर वच्छर होगा ना उसका जहर फैल जाता है, इसलिए मसलो मत। हमारे YPM ब्लॉग्स की हो गई थी आग में दिक्कत थोड़ी सी, तो हम अपन आए वापस और अब चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वाइजर डाउन करके चलाना चाहिए हमेशा, रात के टाइम थोड़े करवाने ज़्यादा होते हैं। लगी तो नहीं है। चलो भैया जूता पहन लो। अरे वो तो भाग गया साला, पकड़ में नहीं आया, वरना मारते उसको। ये फायदा मेरे होल्डर का कि भाई मैं यहाँ पे ऐसे चैट चूट भी करता रहता हूँ, जो भी होते बातें वॉइस रिकॉर्ड में भेज देता हूँ किसी को कोई बात होती है तो। भाई हमारे दिलप्रीत पाजी हो गए हैं फरार, है भाई दिलप्रीत पाजी फरार हो गए, और हमें ये नहीं पता सिग्नेचर पे दिख तो रहा है, ये नहीं पता यहाँ से रास्ता है या यहाँ से रास्ता है। आ गए हैं हमारे पाजी वाजी सारे आ गए हैं, और सिग्नेचर पे बड़ा प्यारा लग रहा है भाई यहाँ से, पता नहीं जैसा मेरी आँखें देख पा रही है वैसा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बस बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये होता है प्यार, प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही है, क्या बात है।
पहली बार जब मैंने देखा मुझे लगा ये रिवर्स में कैसे चल रहा है यार, अरे रिवर्स में नहीं चल रहा है, तो हो रखा है। एक चूतिए ने एसेट करके टर्न ले लिया, मेरे नहीं लगी है बाइक, टूट तोड़ दी साले ने। अभी क्या हुआ, मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था यार, क्या बताऊँ यार, बड़ा गुस्सा आ रहा है भैंस, मतलब सीरियसली यार, आज तक जिस चीज़ पर खरोच नहीं आंदी मैंने भैंस, एक क्या गाली निकल रही है मुझे, एक चूतिए ऑटो वाले ने, मतलब ऑटो था यार, मतलब बस वाले की भी गलती है, ऑटो वाले की भी गलती है, दोनों की गलती बराबर थी, उन्होंने मतलब ऐसी तैसी करा ली अपनी, मतलब आज तक एक स्क्रैच नहीं आने दिया इस चीज़ पे मैंने, और साले ने ये मेरा ये मतलब अभी भी स्क्रैच तो कहीं नहीं आया, मेरा हैंड गार्ड तोड़ दिया उसने, और बस ये है इस हैंड गार्ड की वजह से मेरा हाथ बच गया आज, अगर ये हैंड गार्ड नहीं होता तो आज हाथ टूट जाता। भोसड़ी वाला था बस वाला भी, चिपक जाएगा ये तो, अरे चिपक जाएगा यार, पर दुख हो रहा है, वो तो ये सही है ये था भाई, वरना हाथ कुचल जाता पूरा। अब भाई देखते हैं चलते हैं यार, अब मेरा मन नहीं कर रहा ब्लॉग करने का भाई, मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ भैंस, दिमाग की बत्ती बन गई, और ये भी पता नहीं ऐसे गोल गोल घूमने लग गया, ये भी साला शायद दोनों चीज़ें टूट गई मेरी। ओ भाई मेरा शीशा भी टूट गया। भाजी बूम बूम क्यों कर रहे हो यार, शीशा टूट गया यहाँ पे, आप बूम बूम कर रहे हो यार, बड़ा मनहूस दिन है भैंस सच में यार, खड़ी गाड़ी में ठोक दी, खड़ी गाड़ी में, सीरियसली यार बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हो रखा है, चला दिन ही मनुष है। तो भाई जिस ऑटो वाले ने भी मेरा काम डाला मेरी बाइक का, उसने सेम ने इस वाली बाइक में भी डाल दिया, तो ये वाली बाइक उस साइड से टूट गई भाई, सेम बिल्कुल सेम उसी, यही चैम्पियन ऑटो जो भी बोलते हैं इसको, यही था मेरे टाइम पर भी और इस टाइम पर भी, दोनों मतलब ऐसे उल्टा सीधा टर्न मार रहा है, मेरे को तो इसने दवाई दिया था एक साइड से पूरा, तो मेरा हाथ बच गया भाई, हैंड गार्ड की वजह से बचा है, कैसे भी बचा, बाकी शीशा टूट गया। सुबह से एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट दिखे जा रहे हैं, चलो वो सही है, मेरी बाइक को और कहीं पे नहीं लगी, बस ये टूटा है, और ये मेरी क्लच इस पर क्लच पर टकरा रहा है, चलो इसको सेट करते हैं, क्लच पर टकरा रहा है यार, मेरा शीशा भी टूट गया, वो भाई पूरा टूट गया यार, ये तो नाचने लग गया, ये तो काम ही नहीं कर रहा भाई, काम ही नहीं कर रहा यार ये तो। कैसे था ये यार, ये सेट कैसे था पता नहीं यार, ये तो ढीला पड़ गया, ये वाला मतलब टुकी तो इसी साइड है, क्या करूँ यार, बहन सब दिमाग ख़राब हो रहा भाई। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई, जो भी है जैसा भी है भाई, देख लिया आपने जो भी है, बाकी अब मैं व्लॉग नहीं कर रहा, टाटा बाय बाय, टेक केयर भाई, और हैव अ नाइस डे, और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, अभी घर जाते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का सच में यार, बड़ा दुख हो रहा है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, और लॉकडाउन में ध्यान रखना अपना, अपने परिवार का, कम बाहर निकलना, और मतलब उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों का लॉकडाउन छुप जाए, कल से लॉकडाउन है, मतलब ये वीडियो तो शायद एक दो दिन में डलेगी, बट टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।